छठ के मौके पर पवन सिंह की मम्मी प्रतिमा देवी आई सभी के लिए दुआ मांगती हुई नजर। जी हाँ, पहली बार पवन सिंह की मम्मी न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आई हैं। आपको बता दें, पवन सिंह की मम्मी बहुत कम ही मीडिया के कैमरों के सामने या मीडिया के लोगों के बीच कंफर्टेबल होती हैं, और पहली बार छठ के मौके पर सभी के लिए शुभकामनाएं देती हुए नज़र आ रही हैं। और आपको बता दें कि पवन सिंह लंदन में हैं, और ऐसे में उनकी मम्मी मुंबई में हैं। इस बार वो आरा में नहीं है, मुंबई में है, और ऐसे में पवन सिंह के घर पे दिवाली मनाती हुई, दिवाली की पूजा करती हुई भी वो नज़र आई थी, और सभी के लिए दुआ मांगती हुई नज़र आ रही हैं। और आपको बता दें कि पवन सिंह के लिए बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है उनकी माँ का उनके लिए। आपको याद होगा कि एक बार पवन सिंह के जन्मदिन पर पवन सिंह की मम्मी ने मीडिया के सामने आकर ये कहा था कि बेटे की खुशियों के लिए सब कर रही हैं। उस वक्त पवन सिंह का जन्मदिन था और उनकी मम्मी अनाथ आश्रम के बच्चों को खाना खिलाने गई थी, और पवन सिंह के लिए उन्होंने दुआ वहीं से की थी कि उनके जीवन में खुशियाँ आए, उनका भी घर बसे। तब बता दें, पवन सिंह की शादी ज्योति सिंह से नहीं हुई थी। अब काफ़ी दिनों बाद वो फिर सुर्खियों में आई हैं, लेकिन इस बार वो सभी के लिए कामना कर रही हैं कि पवन सिंह के जितने भी फैंस हैं, जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पहला मौका नहीं है जब पवन सिंह और उनकी माँ छठ के मौके पर एक दूसरे के साथ नहीं है। ऐसे कई मौके आए हैं, लेकिन तब पवन सिंह देश में हुआ करते थे, इस वक्त पवन सिंह विदेश में है, और तभी भी माँ उन्हीं के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। आज भी माँ उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है, लेकिन साथ ही साथ पवन के जितने भी फैंस हैं, और कोरोना काल में जिस तरह की स्थिति बनी है, प्रतिमा देवी ये चाह रही हैं, पवन सिंह की माँ ये चाह रही हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।